beautiful. I'm so beautiful. Mirror, mirror on the wall. Who's the prettiest of them all? Rashmi! Rashmi! ऐसा है कि तुम तुम हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हो, तुम्हारे पूरे बदन पे पट्टियां बंधी हुई हैं, सिर्फ आंखें दिख रही हैं, पट्टियों की ऐड। हाँ हाँ, डायलॉग क्या होगा सर? वो तो कभी बोलता है क्या? बहरहाल तुम्हारी इस एक्टिंग के 1000 रुपए। हाँ, थैंक यू सर। ओ, ये नया ड्रामा क्या है एक्टिंग का? चार चार खान उस भूतनी के हीरो बनेंगे। अरे लोग सिनेमा हॉल के पर्दे जला देंगे, लोग अपने घर से खटमा पकड़ कर लाएंगे और थिएटर की सीट पर रख देंगे। तूफान भारती, किसी से इतना जलना अच्छी बात नहीं है। अरे मम्मी, हम लोग उससे थोड़ी ना जल रहे हैं, हम तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर, उनकी बेबी बच्चों के बारे में सोच रहे हैं।
कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? बस 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 करो, इसका पॉजिटिव एंगल भी देखो। ये सोचो कि लोग कहेंगे कि मशहूर फिल्म स्टार रश्मि के पड़ोसी है ये, और फिर लोग अपने कुत्ते हमारे पीछे छोड़ देंगे और कहेंगे टॉमी चुप, रश्मि के नेबर्स इस गांव में तो क्या इस शहर में भी दिखने नहीं चाहिए। अबे ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी अभी मैंने देखा कि दीपक अंकल उस नकली प्रोड्यूसर को दानवीर करण बन के पैसे दे रहे थे। तो ये चक्कर है? तो फिर इस चक्कर में उस घन चक्कर रश्मि को चक्कर खिलाए। वाह गुड्डू, मजा आ गया था। क्या आइडिया ढूंढा है पापा ने दुश्मनों को जलाने के लिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ माय पापा। या आई टेल यू, ऐसे ही लोग बॉम्बे में एडजस्ट कर सकते हैं, वरना लाइफ इन बॉम्बे इज वेरी टफ यू सी। आई सी। मैं उस शख्स को कन्विंस करके रहूंगी कि मैं ही उसकी पारू हूँ।
ये लो मेरा मोबाइल फोन। हेलो ले गई सोना सोना। लोग यहाँ कैसे आ गए? अबे 100 जूते खाएंगे लेकिन तमाशा घुस के देखेंगे। फोकट में ड्रामा देखने को मिल रहा है, कौन छोड़ेगा? और तू अपना काम करना स्पॉट बॉय। अमन के मामा शट अप एक्शन। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आपको याद नहीं क्या? आप और मैं गेहूं के खेत में घूमा करते थे। नहीं 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 नहीं, मेरा तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, मैं खेत में क्यों जाऊंगा? देखा, नाम बदल दिया, धंधा बदल दिया अब धन से। लेकिन मुझे याद है आप रामगढ़ के माने हुए किसान थे और मैं आपके खेतों में काम करने वाली पारू। अगर रामगढ़ की पारो ऐसे कपड़ों में खेतों में काम करती होंगी तो किसान क्या खाक खेती करेंगे? Madam, now you are selected as a heroine. Wow! And you know, story के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग आज से शुरू। ट्रेनिंग? हाँ, स्टोरी के हिसाब से पहले आपको एक 6 माले की बिल्डिंग से सीधा डाइव मारनी है। Oh no! अरे डरिए मत, ये तो क्लाइमैक्स का सीन है, इसके बाद शूटिंग होएगी नहीं। पक्का। Got it! अन्न पागल। अब देखो अपने ट्रेनिंग जो है ना वो क्या होगा? घुड़ सवारी, हॉर्स राइडिंग। ओह नो, लेकिन जिंदगी में पहली बार मैं किसी घोड़े की पीठ पर बैठूंगी। डोंट वरी, वो घोड़ा भी पहली बार अपनी पीठ पर किसी को बिठा रहा है। ओह तो ठीक है। राहुल मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रश्मि गई कैसे। वेरी सिंपल पापा, पहले उसने लेफ्ट पाव में सैंडल पहना, फिर राइट पाव में सैंडल पहना, फिर ऐसे घूमी। नो स्लाइटली स्लो। राहुल ये उसका पागलपन है। तुमको मालूम है आज मेरे ऑफिस में उसका बिल आया है जो उसने कपड़े खरीदे थे, पूरे 10,000 रुपए। पापा आपको अपने 10,000 रुपए अपने जिगर के टुकड़े के अरमानों से ज्यादा लगते हैं? नो। अरे यार लेकिन फिजूल खर्ची तो है भाई। मैं खुद भी मानता हूँ कि शी इज अ हीरोइन मटेरियल, उसका फेस बहुत ही फोटोजेनिक है। रियली? ये आप कह रहे हैं? ऑफ कोर्स, मैं खुद रश्मि को ब्रेक देने वाला था भाई। सच? हाँ, पर बंगाल से एक घोष बाबू आए हैं, king in advertising world. मैंने अपनी रश्मि की फोटोग्राफ उनको दिखाई and he's approved of them, भाई. Really? Yeah. Papa, I think you're cool. अरे पापा बारो। Don't cry बेटा, ये tight clothes है, tight clothes है. अरे बहुत tight clothes है. क्या बोलती रहा है यार? पापा बारो यार. ये हम बोलती थी. अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ मेरे बेटा. रश्मि दीदी घोड़े के साथ भाग गई. क्या? नहीं नहीं सर, छोटा करेक्शन, असल में घोड़ा रश्मि जी के साथ भाग गया। और सर क्या है ना, वैसे दुनिया गोल है ना, वो घूम फिर के इधर को जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अरे कितना टाइम लगेगा भाई? डोंट वरी अंकल, आपको बस 15-20 साल इंतजार करना पड़ेगा। अरे किसका फोन हो सकता है? घोड़े का फोन होगा, वो भी रश्मि से तंग आ गया होगा। शेरू थोड़ा धीरे चल। हाँ पापा, मैं रश्मि बोल रही हूँ, जल्दी आओ। अरे रश्मि बेटा तुम कहाँ से बोल रही हो? पापा मोबाइल से बोल रही हूँ। नहीं बेटा मेरे पास मोबाइल से? ये तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया बेटा? पापा भाई दिया ना। अरे मोबाइल भी खरीद दिया यार। पापा रश्मि से बात करें, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। बेटा मेरा मतलब है तुम जोग्राफिकली कहाँ से बोल रही हो? पापा शायद पूना तो अभी अभी पास हो गया है, ये नासिक लग रहा है मुझे। पूना क्रॉस किया, ये शायद नासिक है। सर आर्ट इज टू फास्ट। मजाक की भी हद होती है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सब तुम लोग कर क्यों रहे हो। मम्मी इन सारे कारनामों की शुरुआत करने के लिए दीपक अंकल ने हमें मजबूर किया था। अरे लेकिन इस हद तक जाने की जरूरत क्या थी तुम लोगों को? ओके सीज़ फायर, शांति। ए ये क्या है? मनी सोनम को अब हम ही रोकेंगे, बस खुश। अब आग तो लग ही चुकी है, घी डालो या ना डालो उनका घर तो जल ही गया। वाह लैंड हो चुका होगा यार। पापा आप भी रश्मि के साथ घोड़े पर बैठ के आए? देख तू मेरा दिमाग खराब मत कर, ये रही तुम्हारी बहन रश्मि। रश्मि स्टॉप है, इसके घोड़े का हैंगओवर अभी तक गया नहीं। अरे तू हैंगओवर की बात कर रहा है यार, ये प्लेन में फुल साइज मिरर डूबते डूबते कॉकपिट।
अरे कुछ नहीं, एक भोली भाली हीरोइन निशा कोयला वाला के चेहरे से भोलेपन का नकाब हटा रही हूँ। मम्मी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायलॉग है, जरा सिंपल करके बताओ ना। अरे भारती, निशा कोयला वाला ने एक सीधे साधे आदमी पर इल्जाम लगाया कि उसने उसको छेड़ा। क्या कहा अम्मा, किसी ने निशा कोयला वाला को छेड़ा? धीर, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उस आदमी से मिल के आ रही हूँ। अरे वो अपनी बीवी को भी नजर उठा के नहीं देखता है तो किसी हीरोइन को क्या छेड़ेगा? दिस इज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट, ओके? पब्लिसिटी? ऐसे? जी हाँ, नई फिल्म की रिलीज से पहले कुछ हीरोइन ऐसा करती है धमाका मचाने के लिए। वाओ, आई लव यू शालिनी आंटी, व्हाट अ ग्रेट आईडिया। इसको क्या हुआ? मां कसम मां, मैंने कुछ नहीं किया मां। ए, देखो क्या हुआ? मुझे लगा कि आप मारोगी। सारी दुनिया को ये मालूम हो जाना चाहिए कि अ न्यू स्टार इज गोइंग टू बी बोर्न। यस, धमाकेदार न्यूज़। जरा सोचो, कल के हेडलाइन पिक्चर रिलीज होने से पहले ही रश्मि तूफान स्टार। यस, आई लव यू भैया। भैया भैया, मुझे को पकड़ा। लेकिन वो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? छोड़ यार, मिशन पकड़ा। नाक निकाल कर अपनी जेब में रख लो यार, क्योंकि अब ये एड फिल्म नहीं बनने वाली। क्यों पापा? अरे वो बंगाली वाक बस कलकत्ता चला गया, जाते जाते मुझे ये खत दे गया। मिस्टर दीपक, मैंने आप जैसा गंदा आदमी नहीं देखा। पापा, खत में आप पहले खुद ही अपनी बेटी का फोटोग्राफ दिखाते हैं, फिर खुद ही पिटवाते भी हैं। आज आपके कारण इस बंगाली बाबू सड़क पर पिटाई हो गई, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर कि मैंने लड़की को छेड़ा। वाह मिस्टर दीपक वाह, क्या कमाल का गेम खेला है आपने। यहाँ तो मिल गए, ऊपर मत मिलना। ऊपर मिलने को भी मना कर गया? पापा यही लिखा है। आई थिंक ही हेट्स यू। मैंने उसे कब पिटवाया? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.